जेडीयू के बच्चों को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है इस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। हमने पहले भी इनको चेतावनी दी थी कि आप ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवाओ, अगर आपने ऑनलाइन पेपर कंडक्ट नहीं करवाए तो हम पेपर बाइकॉट करेंगे। और यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चों ने पेपर बाइकॉट किया है और ये तब तक बाइकॉट रहेगा जब तक हमारी डिमांड ऑनलाइन की पूरी नहीं होती। मेरा नाम अनिरुद्ध रैना है, मैं NSVI स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ NSVI का। यहाँ पे मैं को बताना चाहूँगा कि आप आगे पीछे देख सकते हैं जो इतने बच्चे आए हैं किस लिए। यूनिवर्सिटी का जो है वो काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है, यूनिवर्सिटी जो है एक DD के डिस्टेंस के बच्चों के साथ एक सौदला व्यवहार कर रही है। इसमें ऐसा है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके ऑनलाइन एग्जाम लिए जा रहे हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है, ना कि इन बच्चों को कोई उससे परेशानी है ना हमें परेशानी है। अगर वो ऑनलाइन पढ़े हैं तो उनके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं। सिमिलरली जो यहाँ के डिस्टेंस के बच्चे हैं इनकी क्लासेस भी ऑनलाइन हुई हैं और इनकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन एक जस्टिफाइड डिमांड है कि अगर हमें पढ़ाया ऑनलाइन है और हमारे एग्ज़ाम भी ऑनलाइन लिए जाएँ रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह, हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अब इसमें यह है कि अब कोरोना आप देखें, ओमिक्रॉन के केस भी वापस आना शुरू हो चुके हैं, कोरोना के केस दिन ब दिन हमारी जो है स्टेट में और कंट्री में बढ़ रहे हैं। तो इस डिमांड बच्चों की डिमांड जो है बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन एक जो सौतेला व्यवहार यूनिवर्सिटी के साथ कर रही है वो कंटिन्यूसली कर रही है और बंद नहीं कर रही है, जिसके कारण आज बच्चों ने यहाँ पे अपने एग्जाम्स बॉयकॉट किए, उन एग्जाम देने से मना किए और सारी स्ट्रेंथ बच्चों की यहाँ पे है जो एग्जाम बॉयकॉट कर रही है और ऑनलाइन एग्जाम की डिमांड कर रही है।